हैप्पी अष्टमी फ्रेंड्स, आज है अष्टमी और मेरा बहुत लेट हो गया है। लास्ट ब्लॉग में देखे होंगे तो पता होगा कि 7:30 बजे ही पंडित जी बोले, 10:30 बजे पंडित जी बोले थे आने के लिए, लेकिन हम लोग कल घूमने के लिए गए थे तो बहुत रात से आए थे तो सुबह लेट हो गया। सुबह लेट हुआ तो अभी भी लेट हो गया है। बहुत जल्दी अभी रेडी हो रही हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए मैंने आज बंगाली साड़ी पहन ली हूँ। तो पीछे से साउंड भी आ रहा है, वहां पे अंजलि हो रहा है, माँ भी रेडी हो गई है। बस फटाफट चलते हैं, आके बाकी का थोड़ा बहुत रेडी होंगे एंड उसके बाद फोटोज क्लिक करेंगे। मौसम बहुत हसीन हो रखा है, बहुत ज्यादा ही। चलो चले बंगाली साड़ी में थोड़ा बिहारी टच। चलो चलो चले चले चले। सबसे पहले घर में पूजा कर ली फटाफट, तो घर में पूजा अच्छे से हो गया। देन हम लोग निकल गए और यहाँ पर माँ मिठाई खरीद रही है भगवान जी को चढ़ाने के लिए। सो एकदम सही टाइम पर आए हैं। लास्ट टाइम अंजलि हो रहा था तो यहाँ पर संकल्प के लिए फूल ले लिए हैं और अब पंडित जी पढ़ रहे हैं। अब हम लोग गन्ना का जूस पियेंगे। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट जूस है, मतलब मुझे बहुत पसंद है गन्ना का जूस। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी बहुत भीड़ है, ये लोग फोर्स कर रहे हैं कि एक बार और अंजलि हो एंड यहाँ पे हमारा जूस। हैप्पी अष्टमी। हैप्पी अष्टमी। तो मैं पूजा करके आ गई और खा पी भी ली हूँ, फिट हो गई हूँ। अभी हम लोग फोटोज क्लिक करेंगे एंड शाम को आज फिर हम लोग घूमने जाएंगे। आज कितने बजे चलेंगे? आज तो सिलीगुड़ी का मौसम ऐसा है कि थोड़ा देर में धूप हो रहा है, फिर थोड़ा देर में बादल आ रहा है, फिर बारिश हो रहा है, फिर धूप हो रहा है, फिर अभी वापस से दिख रहा है कि फिर से बादल आ रहा है। तो क्या होगा देखते हैं। और जाने का तो प्लान है लेकिन अगर मौसम साथ दिया तभी जाएंगे। बारिश का पूरा हम लोग जब गए थे ना अंजलि देने के लिए तो बहुत अच्छा वाला मौसम कर दिया था। मतलब जब मैं पूजा कर रही थी ना तो बाप रे, मुझे लग रहा था कि मैं साड़ी भी कैसे पहनूं, इतना गर्मी लग रहा था पूजा करने में। पूजा तो मैं ऐसे ही नाइट ड्रेस में कर ली थी बट एकदम लग रहा था, लेकिन बोलते ना अचानक से मौसम एकदम बदल गया, मज़ा आ गया एकदम। और अभी तक मैं बीच में जब मतलब पूजा करके जब घर पर आ गई तो फिर बहुत डेंजर वाला धूप हो गया, तो घर में रहने से तो उतना पता नहीं चलता है, लेकिन अभी फिर मौसम बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है। अच्छा नहीं हुआ, खराब हो रहा है मौसम, ठीक है? मतलब हाँ, घूमने का नजर से देखिएगा तो खराब हो रहा है, घूमने वाला मौसम नहीं है भाई। तो आज अष्टमी है और आज का जो कलर है मेरा वो है पिकॉक ग्रीन एंड आप देख सकते हैं मैं तो पूरा पिकॉक ही पहन रही हूँ। कल भी मैं पहनी थी सतमी का, अगर ब्लॉग देखे होंगे तो। एक्चुअली मुझे पिकॉक का ड्रेस ज्वेलरी सब बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब पिकॉक दिखता नहीं है कि मतलब कैसा भी हो मैं उसको उठा लेती हूँ, बहुत पसंद है। पिछले दिनों में पिकॉक थी ना इसलिए कुछ भी। तो अभी जा रहे हैं हम, ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे एंड फिर शाम को मैं रेडी होंगी। शाम को क्या पहनूंगी चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं निकाल के रखी हूँ ड्रेस, तो चलिए मिलेंगे फिर शाम को। उससे पहले मैं ड्रेस दिखा देती हूँ।
ड्रेस दिखाने से पहले ये देखो मेरा फाइनल लुक, तो कुछ इस तरीके का लग रहा था ये साड़ी, बंगाली टाइप में पहनने से बहुत सुंदर लग रहा था। आप लोग कमेंट बताना कैसा लगा। एंड साथ ही में ये रहा मेरा आज का शाम का ड्रेस, तो मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ, स्कर्ट वाला ड्रेस पहन रही हूँ शाम को, थोड़ा हैवी लगता है, अच्छा लगता है पूजा में। सो मैं फाइनली रेडी हो गई। मैं अभी आपको आज अष्टमी का भी लुक शेयर कर रही हूँ, पूरा दिखाती हूँ। एंड मेरे मिस्टर भी रेडी हो गए। ये हेलो हैंडसम हवी यो। सो हम दोनों रेडी हो गए हैं, तो आज जो है माँ और पापा जी भी जाएंगे, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। और आज फिर से 9 बज गया है, तो अभी थोड़ा देर में निकलेंगे, तो निकलते हैं फिर दिखाते हैं आज कहाँ कहाँ जाना होगा। आज भी मतलब कल तो हम लोग गए थे, तो एक दो जगह उन लोग को भी लेके चलेंगे, बाकी और भी कहीं कहीं जाएंगे, वो सब आपको मैं दिखाऊंगी, जो नहीं दिखाई हूँ वो शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। सो ये रहा मेरा अष्टमी का रात का लुक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेरा लुक अच्छा लग रहा है अभी तक में। बाकी का और भी आगे ब्लॉग्स आएगा, तो उसमें देखना मेरा नम्मी का सुबह का लुक, शाम का लुक, फिर विजयदशमी का। तो अभी तक मैं आप कमेंट में बताना कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए अब चलते हैं। बाहर निकलते के साथ सबसे पहले हम लोग फुचका ही खाते हैं, क्योंकि लड़की लोग को ऐसे ही फुचका बहुत पसंद है, तो यहाँ हम लोग फुचका खाएं। देन उसके बाद यहाँ देख सकते हैं हम लोग लाइन में खड़े हैं, काफ़ी भीड़ है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो ये देखो बहुत भीड़ था, बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग देखो, आप लोग भी बताना आप लोग को कैसा लगा। बहुत सुंदर पंडाल बनाया है, बहुत ज़्यादा, और ना लाइक मधुबनी के जैसा पूरा काम किया हुआ है, कलरफुल, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये एंट्रेंस है, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो अंदर भी पूरा एकदम कलरफुल काम है, मधुबनी पेंटिंग, पता नहीं इसको शायद मधुबनी ही बोलते हैं मेरे अकॉर्डिंग, आप लोग को अगर आप पता होगा तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या बोलते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत दिख रहा था। अब आप अंदर चलिए, अंदर आपको अच्छे से माँ का दर्शन करवाते हैं। तो उसके बाद ये रहा फैमिली हमारा, सब लोग हैं। एंड उसके बाद हम लोग अब चल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, बट फिर भी हम लोग को गन्ना का जूस दिख गया, तो माँ लोग का तो खैर फास्टिंग था इस कारण से इस बार हम लोग गन्ना का जूस पी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग डिनर कर रहे हैं, एंड बहुत बड़ा बहुत भारी मेला लगा हुआ था। एंड उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए, जहाँ का पंडाल कुछ इस तरीके का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत दिख रहा था। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये पंडाल देख कर मुझे बस यही याद आ रहा था। तो चलिए लाइन में लग गए हैं, और अब अंदर चलते हैं और आपको पूरा अंदर का दिखाते हैं कैसा है। पूरा ब्लू कलर का प्लास्टिक का बनाया गया और लाइट लगा दिया गया है। ये ना पानी के अंदर का दिखाया गया, पूरा समुद्र के अंदर, देखिए वो ऊपर फिश थी। और अब अंदर लेके चलते हैं, कुछ इस तरीके का पानी के अंदर का है, और बीच में बैठी रहती है माँ। तो देखिए जस्ट ऑसम, सच में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा।
एंड यहाँ पे भी बहुत भारी मेला लगा हुआ था बाहर में, बहुत ज़्यादा ही। यहाँ पे देखिए काट का एक से एक सामान मिल रहा था, ज्वेलरी मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, फ्लावर मिल रहा है, जैसे मेला लाइक वैसे बहुत अच्छा लगा था। और साथ में यहाँ पे जलेबी एंड समोसा हम लोग लिए, और साथ में हम लोग लिए यहाँ पे डोमिनोस का पिज्जा। तो हम लोग आ गए हैं घर, और अभी जो है रात का बज रहा है 2:11 पे हम लोग घर आए हैं, एंड साथ में हम लोग पिज्जा लेकर आए। मैं अभी आपको दिखाई, एक्चुअली माँ और गुड़िया जी का फास्टिंग है तो वो लोग खाते नहीं, और पापा जी डिनर करके गए थे, सिर्फ मैं और मिस्टर बाकी थे, तो हम लोग सोचे थे कुछ खा लेंगे, बट जो चीज़ खाना था वो ख़त्म हो गया था लेट की वजह से। तो खैर कोई ना, पिज्ज़ा मिला तो हम लोग लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। एंड साथ ही में आई होप आपको ब्लॉग देखकर मज़ा आया होगा, छोटू सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ पर डे का। एंड साथ ही में इतना सारा झूला वगैरह लगा है, बट मैं एक भी जगह नहीं बैठ पा रही हूँ। मतलब कहते हैं ना कि जब इंसान बड़ा हो जाता है तो सब्र करना सीख जाता है, वही हाल हुआ है मेरे साथ कि इतना मैं झूला पे झूलने के लिए एक्साइटेड रहती थी, बट अभी मतलब ठीक है, झूली तो झूली, नहीं झूली तो कोई बात नहीं, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। आज तो ख़त्म हो गया, लेकिन कल है नवमी, तो कल हम फिर घूमने जाएंगे, और कल हम सारा झूला जितना भी राइड्स है उसका पूरा मजा उठाएंगे, और उसका भी ब्लॉग आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। कल नवमी है, कल सुबह कन्याकुमारी भी जमाना होगा, मतलब अभी 2 बज रहा है, अब हम लोग को सोते सोते 3 बज जाएगा, फिर सुबह उठना है, मतलब बहुत कुछ है कल, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कल का। तो अभी मैं ब्लॉग कर रही हूँ, एंड आई होप आपको देखकर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।